बेटी है ना? क्या कह रहे हैं? बेटा हुआ है। ऐसे नहीं रोते बेटा, जाओ क्लास में। चल भाग, जा। जाओ ना बेटा, इसे सर पे चढ़ा के रखा है। बुखार कब तक उतरेगा? ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में। भवानी, दोपहर में इसे स्कूल छोड़ाना। माँ, क्या मेरे लिए एक साइकिल खरीदोगी क्या? एए! किस लिए? आवारा गर्दी करने के लिए? खाल उधेड़ दूंगा। हाँ, तेल नहीं चाहिए, ये स्टाइल है। क्या है ये, फिर से फेल हो गया? हाँ, स्टाइल चाहिए। है, पढ़ाई है तो जीवन में सब कुछ है। तेरी गंजी खोपड़ी तुझे ये याद दिलाती रहेगी। इन नंबर से ये मिस्त्री भी नहीं बनेगा। इसे कुछ अक्ल दो कि ये ठीक ठाक इंजीनियर बन जाए। यही इतनी फिक्र है ना? तो फिर ये बात भूमि के सामने नहीं, अपने पापा को बोलो। बोल सकोगे? हमेशा झूठ बोलता रहा कि 80% आया है। अपने बाप को धोखा दिया, अपने बाप को। मानता हूँ मैंने झूठ बोले, पर क्यों बोले? आपकी बेवकूफी भरी सोच की वजह से। बचपन से कभी मेरी मर्जी पूछी आपने? पढ़ाई के नाम पे मुझे कठपुतली बना के नचाते रहे। काश आप इतना साइकिल से प्यार करते, उसका 1% भी मुझसे करते। इंसान नहीं, पत्थर है आप। अपने पापा के बारे में जानते क्या हो? स्कूल जाते वक्त रोया, पर उसके ठीक 10 मिनट बाद कितना हंस रहा था तू। पर तेरे पापा दिन भर चिंतित थे, नंगे पैर कड़ी धूप में बस तुझे निहारते रहे, तुझे लेकर ही घर लौटे। तुझसे जितना प्यार करते थे, उतना प्यार उन्होंने कभी किसी से नहीं किया, इसीलिए वो दूसरा बच्चा भी नहीं चाहते थे। जानता है, तू हमेशा कुछ न कुछ लेने के लिए कहा करता था। hey! तुझ पे चिल्लाते, पर बाद में बहुत रोते थे। मेरा बस चले तो दुनिया की सारी खुशी मैं इसके कदमों में रख दूं, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से लाऊं? बढ़िया कलेजी देना, मेरे बेटे को पसंद है। जब पहली बार तुझे अपने हाथों में उठाया था, पता है भगवान से क्या मांगा था उन्होंने? मेरे हिस्से की सारी खुशी इसे दे लो, और इसके हिस्से का दुख मेरी झोली में डाल देना।